हेलो एवरीवन, मैं दिशा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेडेड ब्रेड या स्टफ ब्रेड, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, यीस्ट, शुगर, पनीर, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, अनियन, कैरेट, कैप्सिकम, कॉर्न्स, सॉल्ट, टमाटो केचप, सोया सॉस, मिल्क विद शुगर, बटर विद कोरिएंडर लीव्स। अब हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 टीस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे और यीस्ट को बनाने के लिए हमें थोड़ा गर्म पानी चाहिए, तो इसके अंदर हम गर्म पानी 1/2 कप ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको पैक करके एयर टाइट और किसी गर्म स्थान पर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा यीस्ट कितना अच्छे से चार्ज हो गया है। अब हम 2 से 2.5 कटोरी मैदा लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद जो यीस्ट अभी हमने चार्ज किया था उसको ऐड करके और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें नीड है तो हम थोड़ा सा वाटर के साथ इसको मल लेंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छा हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। बहुत हमें सख्त नहीं रखना है और बहुत हमें सॉफ्ट नहीं रखना है, नॉर्मल, जो हम आसानी से बेल सकें। और इसे एक कंटेनर में अच्छे से एयर टाइट पैक करके 1/2 घंटे के लिए करीब हम इसको छोड़ देंगे। इतने हम साब अपनी वेजिटेबल्स का पका लेंगे। अब हम सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और जब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें जो जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज को छोटा छोटा सा कट किया है वो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा भून लेंगे। इनको भूनने के बाद जब ये बहुत अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसमें अपना अनियन ऐड करेंगे। गैस को हमें बहुत लो फ्लेम पर नहीं रखना है क्योंकि हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इनका पानी जलाना है। अनियन को थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें अपनी और बाकी सब्जियां भी ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम कैरेट ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा चलाते, सब सब्जियों में पानी होता है इसलिए हमें इन्हें थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। कॉर्न्स, उसके बाद हम कैप्सिकम ऐड करेंगे, पनीर ऐड करेंगे और जो सब्जियां आपके पास घर में अवेलेबल हैं हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। रेड चिली बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें चिली फ्लेक्स या रेड चिली आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के द्वारा आपको नए नए अमेज़न के डील्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और टमाटो केचप ऐड कर देंगे। एक चम्मच सोया सॉस, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, या हम इस ब्रेडेड ब्रेड में कुछ स्टफिंग चेंज करके भी कोई भी स्टफिंग हम इसमें भर सकते हैं। देखिए, हमें बहुत ज्यादा सब्जी को पकाना नहीं है, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। अब हम अपने आटा जो हमारा बनके तैयार हो गया है उसकी लोइयां बना लेंगे। लोई बनाने के बाद उसमें हल्की सी मैदा लगाकर इसको ओवल शेप में बेल लेंगे। और एक चाकू की सहायता से हमें इसके दोनों तरफ कट्स बनाने हैं। ये देखिए किस तरीके से हमें इसके कट्स बनाने हैं। ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो शेप मैं बना रही हूँ। शेप आप इसकी कोई भी बना सकते हो, जो आपके बच्चों को अच्छी लगे या आपको इजी लगे। अब इसके बीच में हम अपनी स्टफिंग फिल कर देंगे। और आपके पास जो भी चीज है उसको हम इस पर ऐड कर देंगे। चीज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन आजकल बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो हम इसमें चीज ऐड कर देंगे। अब इसको हम बंद करेंगे। बंद करने का एक तरीका है, एक इधर से लेना है कट और एक इधर से लेना है कट, और इनको आपस में जोड़ते जाएंगे। अगर आपको एक बार में क्लियर ना हो तो आप वीडियो को बार बार पीछे करके उसको देख सकते हैं। मैंने इसको फिश की शेप दी है, तो इसमें मैंने काली मिर्च से इसकी आईज भी बना दी है। आपको बिना ओवन से कैसे बनाएंगे वह बताऊंगी। तो सब मेरे पास एक भगोना है, आप कोई कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं। उसमें एक स्टैंड रखेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। उसके बाद जो हमने अपनी ब्रेडेड ब्रेड बनाई है उस बर्तन में ऑयल लगाने के बाद हम उसको रख देंगे, और करीब 30 या 35 मिनट्स में वो हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ये हमारी ब्रेड्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको आपको पलट के दिखाती हूँ कि ये हमारी कैसी लग रही है। ये देखिए नीचे से बनकर कितनी सुंदर बनकर तैयार हो गई है। मैं इनको 5 मिनट के लिए पलट कर भी बेक कर लेती हूँ, ताकि ऊपर से भी ये ही कलर आ जाए। 5 मिनट्स के लिए और बेक हो रही है, तब तक हम अवन की प्लेट को भी ग्रीस कर लेंगे अच्छे से घी के साथ। बहुत अच्छे से ग्रीस करना है ताकि वो चिपके नहीं, और हम फिर से अपने ब्रेडेड ब्रेड को बनाकर स्ट्रे पर, ओवन भी हमें प्री हीट करना पड़ेगा, करीब करीब 10 से 15 मिनट उसको भी हमें प्री हीट करना है। ओवन का टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखिए। सेम उसी तरीके से मैं इसको भी बना रही हूँ। मेरे बच्चों को यही पसंद है, इसलिए मैं ये शेप बना रही हूँ। आप इसकी शेप चेंज भी कर सकते हो। सबसे पहले ऊपर से इसको फोल्ड करना है, फिर साइड से। ये विशेष कर ध्यान रखिए, नहीं सारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। चीज बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए चीज ऐड करना मत भूलें, और नहीं पसंद आता है तो स्किप कर दीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको हम हल्का फुल्का कलर से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा रेड कलर लिया है, जिससे मैं इसको थोड़ा कलर। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के द्वारा आपको नए नए अमेज़न के डील्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे
लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरी ब्रेडेड ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर जो हमने शुगर विद मिल्क लिया था उसकी एक कोटिंग करेंगे। सबसे पहले ये हमें जो गैस पर बनाया था उस पर भी करना है। इस कोटिंग से क्या है, शाइन बहुत अच्छी आती है। ये कलर लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके बच्चे पसंद करते हैं तो यूज कीजिए वरना जरूरी नहीं है। और हम इसके ऊपर थोड़ा सा तिल अगर आपके पास घर पर है तो हम तिल भी डाल देते हैं। ओवन में मैंने करीब इसको 20 मिनट्स के लिए बेक किया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी ब्रेडेड ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो मिल्क की कोटिंग बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत अच्छा कलर आता है, तो मिल्क की कोटिंग करना ना भूलें। कलर आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब सबसे लास्ट में जब हमारी ब्रेड बनकर तैयार हो गई है तो हम इस पे जो हमने कोरिएंडर लीव्स के साथ बटर रखा था उसको हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए मेरी ओवंस की है ब्रेडेड ब्रेड और ये हमारी गैस की है जो हमने गैस पर बनाई है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा समय ज़्यादा लगता है गैस पर। अगर वहाँ 20 मिनट में बन गई है तो ये यहाँ 30 से 40 मिनट्स आपको गैस पर लग जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छे से हमारी ब्रेड्स तैयार हो गई हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करके खाते हैं क्योंकि इसमें सोया सॉस, टमाटो केचप, चीज़ और इस बहाने उनके पास वेजिटेबल्स भी चली जाती हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस तुरंत पता लगती रहें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के द्वारा आपको नए नए अमेज़न के डील्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।